बिहार जैसे राज्य में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो सारे प्राकृतिक संसाधन झारखंड में चले गए और बिहार के पास कृषि योग्य भूमि बच गई। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो, ये खड़ा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और एक बहुत बड़ी बात है कि 1,47,493 मजदूरों को जोड़ा गया है और जो बाहर से जितने लोग आए ये सबको काम मिल गया और सबका परिवार चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने काम किया और हमारे नेता मानवर नीतीश जी कहते हैं, सारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हमने इतना काम किया है कि यदि उन कामों को सूची बनाकर बिहार की जनता के सामने आप यदि रखेंगे तो एक पन्ना नहीं होगा, आपको 500-600 पन्ना बोलना पड़ जाएगा। तो मैं विरोधियों से पूछता हूं, हम लोग फेसबुक लाइव में हैं, उनसे पूछता हूं कि हम जो बात बोल रहे हैं भाई तर्कपूर्वक उसका जवाब दीजिए ना, अनर्गल बयानबाजी से बिहार की जनता समझ रही है, आप तर्कपूर्वक जवाब दीजिए। हम जानते हैं आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब आप देखिए कि इस ग्रामीण विकास विरोधी बिहार में जो विपक्षी दल है उनका मात्र एक ही कार्यक्रम है, केवल क्रिटिसिज्म करना। जबकि यह माना जाता है कि अपोजिशन इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है। अब हम माने लगाएं कि किस प्रकार का अंग होता है, तो ऐसे सारे कार्य जो विकास के कार्य होते हैं उसमें विपक्ष की भी सहभागिता होती है। और विकास केवल सत्ता पक्ष की ओर नहीं बंधा है, आप देखते होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, दोनों को विकास करने के लिए समान निधि आवंटित होती है। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता पक्ष का विधायक है उसकी विकास निधि ज़्यादा होती है और जो विपक्ष का जो सांसद विधायक है उसकी विकास निधि कम होती है। तो ये माना जाता है, विकास के पैमाने पर ये माना जाता है कि जहाँ विकास होता है वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की समान भागीदारी होती है। लेकिन बिहार में तो आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष के चाल चलन से आपको पता लग जाएगा कि सत्ता पक्ष ने कितना सुंदर तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास किया। और एक तरफ विपक्ष है कि बस केवल क्रिटिसिज्म करना और अनर्गल प्रलाप करना उनका काम हो गया है।